अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फलकनुमा एसीपी ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद के रोडिशीटर्स और काला पत्थर पुलिस स्टेशन के हुदूद के रोडिशीटर्स की काउंसलिंग की और कोशिश ये की कि ये कोई केस ना करें वरना एक भी कंप्लेंट आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लगातार पुलिस की ये मुहिम और ये काउंसलिंग चल रही है लेकिन उसका असर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। पुराने रोडिशीटर तो पुराने रोडिशीटर्स हैं, अब नए नए लोग को रोडिशीटर का मज़ा लग चुका है और आए दिन क्राइम में इजाफे हो रहे हैं। ये लोगों की भी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है और ये लोगों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है ताकि हमारा शहर का माहौल अच्छा रहे। बहरहाल बाद हज़ार ACP ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसलात बताई। तकी रहमान की ये रिपोर्ट। एक एक उसके नाम बोलो, आपके ऊपर है तो कह सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज फलकनुमा डिवीज़न कालापत्थर फलकनुमा बहादुरपुरा तीन पुलिस स्टेशनों के जितने भी राउडी शीटर्स है वो लोगों को बुला के अच्छे ज़िंदगी गुजारने के लिए सलाहत देने के वास्ते उन लोगों को बुलाया गया। और ये भी बताना चाह रहे हैं कि रमज़ान के बाद में शैतान जो आज़ाद हुआ वो ये लोगों में घुसा, थोड़े बहुत अफेंसेस कर रहे हैं। ये अफेंसेस करना गलत है, सोसाइटी के लिए गलत है, कोई भी नहीं सिखाता। ये करने से ये लोगों का मुस्तकबिल कैसा ख़राब होता है, ये लोगों का बच्चों का मुस्तकबिल कैसा ख़राब होता, ज़िंदगी कैसा ख़राब होता वो बताने के लिए। और अभी हम लोग खड़ी से खड़ी लॉ एनफोर्समेंट तो कर रहे हैं, अभी अगर कुछ करें तो छोड़ेंगे तो नहीं, अभी सख्ती से पेश आना पड़ता है बताने के लिए ये लोगों को बुलाया गया। और अच्छे है ये लोगों को, हम ये लोगों को मदद करेंगे। ये लोग कुछ जॉब्स चाहिए, कुछ भी रोज़ रोटी के लिए कुछ काम करना है तो वो हम लोग वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ मदद करेंगे। लेकिन गलत हरकत में ये चाकू रख लेके फिरना, ये वायाँ पीना, ये न्यूसेंस करना, ये हम कभी भी नहीं सहजते। अब ये लोगों के पीछे तो पड़ेंगे हम, ये एक भी ऑफेंस करा तो वो लोगों का नतीजा बहुत बुरा होगा, हम तो छोड़ेंगे नहीं। वो तो बताने के लिए बुलाए, फिर भी ऑलरेडी बता रहे हैं लेकिन रमज़ान के बाद में ये लोगों में जरा शैतान घुसा ना, उतारने के लिए बुलाए लोगों को। वो बातचीत चलती, अब इंशाल्लाह ये लोगों को सुधारने का मौका दिया। अब तक ये बंदोबस्त हैं सब थे, अभी थोड़ा ये लोगों पर नज़र रख के हम काम करने के लिए ये लोगों को बात करने के लिए बुलाए। आज 60 आदमी आए और सेकंड फेज भी रहता है, ये फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है। इसमें तकरीबन 30 राउडी शीटर्स जो है ऑलरेडी जेल्स में है, अभी थोड़े जाने के लिए रेडी है। अब ये लोगों को तो अभी एक ऑफेंस हुआ तो अब ये लोगों को छोड़ने का नहीं है। पीडी एक्ट लगा के 4 महीने कंपलसरी अंदर भी जाते, अब तो छोड़ते नहीं। अब ये लोगों को छोटे छोटे चाकू रख लेके फिरने क्या ज़रूरत है किसको भी, क्या इंसान को चाकू रख लेने क्या ज़रूरत है। चाकू ये रख लेके ऑफेंसेस करते रहे तो क्या पुलिस वही देखते बैठेंगे, सोसाइटी में कोई फिरना ना फिरना। हम वो तो हर किस नहीं करेंगे, 1-2-3 ऑफेंसेस हुए उस सिलसिले में लोगों को वार्न करने के लिए बुलाया। और तुम्हारे लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ, ये मीडिया वाले आप लोगों का भाई क्या कर रहे हैं, परसों एक ऑफेंस हुआ तो विक्टिम को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो आप लोगों का रोक रहे हैं, वो कई का तरीका रोकना नहीं। और उस सिलसिले में आप लोगों से भी गुजारिश है, ऐसा हादसा हुआ तो भी आप लोग मीडिया में मत डालिए क्योंकि वो देख के दूसरे लोग डर जाते और शहर का नाम बदनाम होता। पुराना शहर बोलते रोडी एलिमेंट से वो ये बोले जैसा रहता, तो आप लोगों से गुजारिश है कुछ हुआ तो भी थोड़ा थम के रहो। उस कानून के तहत हम लोगों ने क्या करना है, कि हम जरूर करते हैं, हम नहीं करने का सवाल ही नहीं। हम कुछ गलती करें जब बताओ, लेकिन छोटे छोटे ऑफेंसेस हुए, रउड़ी गैंगवार हुआ, वो ये हुआ, ये मीडिया में मत डालो आप लोगों। फर्स जैतून उसको चाकू पड़ा, उसको कहाँ से कि बाबा नगर से आके उन्हें चाकू मारा, उसको रोके बात करते रहते, क्या आपको कौन भूखा, चाकू कैसा था, कौन आदमी था, क्या झगड़ा हुआ। अरे उसको मार लग के उन्हें परेशान हो रहा, लेकिन आप लोगों का क्या है वैसा पूछने कहाँ का तरीका ये। तो आप लोगों से भी गुजारिश है ये मत कीजिए। और शहर अपना, यहाँ के रोडी शीटर्स भी थोड़े बहुत गलतियाँ करके करे होंगे, वो लोग सुधारेंगे, लेकिन वैसा ऑफेंस हुआ तो भी
जल्दी पब्लिक में मत ले जाओ, क्योंकि दूसरे लोग डरने के चांसेस रहते, भयानक सिचुएशन रहता। तो आप लोगों से भी गुजारिश है, थैंक यू वेरी मच। फेल नहीं हो रही, पब्लिक फेल हो रही, क्योंकि ये जो है सो गांजा चलने दो, टैबलेट चलने दो और कुछ भी रहने दो, ये किसका मुस्तकबिल खराब करता? अपने बच्चे, आपके बच्चे, मेरे बच्चे, अपने पड़ोसी के बच्चे, अपने लोग अपने बच्चे से ना। फिर वो इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने में क्या तकलीफ है? पुलिस को अगर दिए, तुम्हारे लोगों को नाम तो बदनाम नहीं करते ना, आप लोगों को नहीं बताते ना, तो सब छोड़ो, 100 नंबर को करो, फलाना आदमी बेच रहा बोल के 100 नंबर है। हमारे सी पी साहब इस पर ऑलरेडी एच नी रखे, एक नंबर भी दिए, एच नी नंबर है 9490616555, व्हाट्सएप भी कर सकते। आप लोगों का डिटेल कभी भी बाहर नहीं आता। ये पब्लिक का भी कोऑपरेशन चाहिए ना, क्या पुलिस का एक ही काम है क्या? पुलिस का हर काम भी हमारा ही है, लेकिन आप लोगों का मदद चाहिए, आप लोगों का इंफॉर्मेशन थोड़ा तो भी कोऑपरेशन है तो हम अभी अच्छा करेंगे। शाहकार मजबूत और पायदार दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवेसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।